कंदार, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल हासिल किया है तो अफगानिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता हालात ममूल पर आ गए हैं। शहर की रौनकें बहाल हैं, बाजारों में मार्केटें, शॉपिंग मॉल और दुकानें खुल गई हैं। शहर और बाजारों में शहरियों की एक बड़ी तादाद में नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में जगह जगह तालिबान की चेक पोस्टें लगा रखी हैं और शहर में ट्रैफिक रवा दवा है। अफगानिस्तान में अमन और हालात ममूल आने पर शहरी इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए खौफ की फजा खत्म हो चुकी है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं मोहम्मद कसीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अफगानिस्तान के सूबे कंदहार यूनियन के मकाम पर मौजूद हूँ। तालिबान की हुकूमत आने की तकरीबन दो हफ्ते हो चुका है। इस वक्त शहर में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर होते जा रही है। शहर में रौनकें बहाल हो गया है। जो कारोबार मेन खास बात जो कारोबार का है, कारोबार भी दिन ब दिन बेहतर होते जा रही है। ख़ासकर अगर बात की जाए सैर तफरी की जगहों पर, वहाँ पर भी काफ़ी रश थे, मार्केटें खुल गए थे, कारोबार और सारे जगह खुल गए थे। अब इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, तालिबान की गवर्नमेंट आए हुए हैं, आप तालिबान से खुश हैं या नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल जो तालिबान आए थे उसकी हुकूमत हम बहुत खुश है। जब पहले बार जो सरकारी हुकूमत है उससे हम इसे इतना खुश नहीं हुआ था। जो इस तालिबान की हुकूमत आया था उससे बहुत खुश था। अच्छा, आइए हम पूछेंगे एक छोटे बच्चे से, आप क्या कहना चाहते हैं जब से तालिबान की गवर्नमेंट आए हुए, आपने क्या महसूस किया है? पहले तो लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ पाबंदी थे, अब आप रात को निकल गया है, आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम तालिबान की हुकूमत से बहुत खुश है क्योंकि हम का जो पहले दौर था, जो दूसरा हुकूमत था, हम सुबह के वक्त भी नहीं आते। आज तालिबान की हुकूमत है, हम वो शाम के वक्त आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना हुआ था, शौर्य का कहना था कि तालिबान के आने से हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि अमन अमान की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। साथी रिपोर्टर नजीबुल्लाह खुशहाल के साथ कसीम आशिक जई, यूनो मैन कंदहार। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कसीम तफसीलात से आगाह करने का।